टेंशन लो, पैसों दो है कि ना। स्टार्ट करिए सर। राम कुमार जी, नमस्कार मेरे बच्चों। मैं सुधांशु, आप सभी का इनोवेशन क्लासेस के एप्लीकेशन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। हम लोग देखिए, यूपीएसआई का आज मैथमेटिक्स का 9वीं क्लास है, और 9वीं क्लास के अंतर्गत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज में मैंने आपको कल की डेट में बेटा प्रतिशत त्रुटि निकालने वाले सारे सवाल करवा दिए थे। प्रतिशत त्रुटि के अलावा बेटा मैंने आपको ये भी बता दिया था कि प्रतिशत त्रुटि के अलावा मैंने ये भी बता दिया था कि कोई किसी से कितना प्रतिशत कम या कितना प्रतिशत ज्यादा है, ये सारी चीज भी क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे बीर बहादुर जी, अर्चु प्रजापति, दुर्गेश सिंह राजपूत, वैभव राहुल वर्मा, अंकेश यादव, प्रतिमा और अजय कुमार मौर्य, अनिल कुमार, अनुराग मिश्रा, धीरज गौर, ठीक है, सबको सबको नमस्ते, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। बेटा शुरुआत कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग सीधे पढ़ाई से मतलब रखेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। एप्लीकेशन में हम लोग के पास टाइम भी कम होगा और हम लोग टारगेट पे काम कर रहे हैं, सिलेक्शन बेस्ड, ठीक है। आज आप लोग की मूल विधि की भी मैंने क्लास स्टार्ट करवा दिया था, भूमिका बन गई है, लेकिन टीचर अच्छे हैं। कल से आपको बहुत बढ़िया पढ़ाया जाएगा, 2 बजे से मूल विधि की क्लास चल रही है। मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। राम कुमार जी, कल का सवाल जो आखिरी वाला था वो एक बार लगा दीजिए। कल का जो आखिरी सवाल था बच्चों को एक बार मैं फिर से बता दूं भैया। और सारे लोग कहाँ गए? चलो ये तो 7वां नंबर, 6 नंबर एक बार लगा दीजिएगा सर। कल का 6 नंबर वाला सवाल है आपके पास या 7वां से शुरू? 6 नंबर सवाल यहां पे आप देखिएगा कल का। अभिषेक जी खुश रहिए भाई, अमित दुबे जी खुश रहिए, धीरज गौर, और चलिए भाई आप लोग आते रहिए, मैं उस सवाल पे आता हूँ। सर लग गया सवाल, तो इस सवाल को देखिएगा, कल का 6 नंबर वाला सवाल, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर वाला सवाल, सो नहीं कर रहा है, हाँ आप सो किया। देखेंगे पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 से ही 1/3 कम है। तो बच्चों मैंने आपको ये बताया था, 8 से ही 1/3 बोले तो, 8 से ही 1/3 अगर कहीं भी आता है तो आपको 1/12 ये समझना होगा। और आपने 1 से लेकर के 1/20 तक की फ्रैक्शन अगर याद किया है तो ठीक है, और अगर नहीं याद किया है तो याद कर लीजिए, नहीं तो आपको मुश्किलात आने वाली हैं ढेर सारी। तो 1/12 का मतलब, अगर ये आपकी मूल संख्या है, अगर ये आपकी मूल संख्या है तो उस मूल संख्या का 8 से ही 1/3 बेटा ये जो होता है ये मूल मान होता है, और ये जो होता है ये परसेंटेज वैल्यू होता है। एक बार मैं आपको फिर से बताते चलूं, ये बेटा होती है परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू का मतलब होता है ये आपका प्रतिशत मान होता है, ये बेटा आपका प्रतिशत मान होता है। यानी कि अगर आपकी संख्या 12 है तो 12 का 8 से ही 1/3% आप निकालेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा। तो अगर कोई कहता है कि कोई संख्या किसी से 8 से ही 1/3% कम है तो 12 का 8 से ही 1/3% 1 होता 1 कम कर देंगे, यानी कि संख्याओं का अनुपात बनेगा कि अगर एक संख्या 12 है तो दूसरी उससे 12 से 8 से ही 1/3 यानी कि 1 कम करके यानी कि कितनी है 11। और ये किन संख्याओं के बारे में बात किया जा रहा है? तो आप सवाल में देखिए कहा जा रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से, बच्चे पहली संख्या तीसरी संख्या से कम है, यानी कि अगर पहली संख्या 11 है तो तीसरी संख्या आपकी 12 है, पहली संख्या तीसरी संख्या से कम है तो तीसरी संख्या अगर 12 है तो 12 से इतना कम यानी कि 1 कम 11 हो जाएगा। ये पहला सेंटेंस हमारा हो गया। दूसरा सेंटेंस बच्चे यहां पे मैंने समझाया था, दूसरा सेंटेंस मैंने आपको ये समझाया था बच्चे कि यहां पे लिखा है कि दूसरी और तीसरी का अनुपात 15:16 है। तो दूसरी यानी कि बी और तीसरी यानी कि सी का अनुपात 15:16 है। अब एक बात मुझे बता दो बच्चे कि यहां पे जो तीसरी वाली संख्या आपको दिखाई पड़ रही है वो तीसरी वाली संख्या दोनों जगह सेम है, और अगर ये सेम है तो इसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो बेटा ये 12 है, ये 16 है, दोनों को बराबर करने के लिए मैथ का लघुत्तम का तरीका होता है। 12 16 का लघुत्तम कितना होता है? 48। 48 बनाएंगे तो 12 चौक 48, 16 3 48, पूरे में 4 का गुणा किया जाएगा, 11 चौक 44, 12 चौक आपका 48 बन जाएगा। और यहाँ पे बच्चे देखो ये 15 3 आपका 45 बन जाएगा, 16 3 48 बन जाएगा, और आपकी ये संख्याएं बन गई। क्या क्या बन गई? ए बी सी के बारे में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ए हमारा 44 बन गया, बी हमारा 45 बन गया और सी हमारा 48 बन गया। अब इन्होंने कहा कि पहली और तीसरी का एवरेज, तो पहली और तीसरी का एवरेज माने
औसत माने होता है जितनी राशियां होती हैं उनको जोड़ करके बटा उतनी से भाग कर देते हैं। तो यहां से 44 और 48, 8 4 12, 4 4 8 92 बटे 2 यानी कि 46 आ जाएगा, है ना। और ये 46 कहा गया कि देखो लैंग्वेज इसमें गड़बड़ थी, 46 जो है दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बेटा एक अधिक है, प्रतिशत में पूछे तो एक दूसरी से जिससे कहे उसको आधार बनाते हैं, 5 नवा 45, 5 से काटेंगे 20, 9 दुनी 18, 2.22, ये समथिंग आपका उत्तर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर, ये वाला क्लियर हो गया, ठीक है। चले भाई यहां तक सबको समझ में आ गया था, आवाज फिर से चेक किया जाए, आवाज तो सही है मेरी तरफ से, बच्चे एक बार अपनी तरफ से बढ़ा लो, आप एक बार सही हो गया, मेरी तरफ से सही है, अपनी तरफ से बढ़ा लो बाबू। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीधे सीधे हम लोग कोई भी बात नहीं करेंगे बच्चे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। जहां नहीं समझ में आएगा आपका अधिकार है, आप बोल लो सर फिर से बता दो, मैं दोबारा उसको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और बाकी कोई भी चीज बोलने की जरूरत नहीं, एकदम दनादन आगे बढ़िए। इतना पढ़ा दे रहा हूं कि कोई भी पेपर आएगा एसआई का, कोई भी पेपर आएगा तो आपको कैसा भी पेपर बना ले गवर्नमेंट, दरोगा बनने से आपको रोक नहीं सकते, बस इतना जानो आप। चलो भाई तो लिखा हुआ है बाबू, सब लोग अपने स्क्रीन पे सवाल देख पा रहे होंगे, लिखा है कि ए बी से 25% लिखा है, हाँ आप सही है, ठीक है चंद्रभूषण, ओके बेटा। ए बी से 25% अधिक है और बी से बी सी से 40% कम है, यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है। देख रहे हैं कितना ज्यादा यहां पे सब बकवास लिखा हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं आपको रेशियो मेथड बताता हूं और बहुत ही सिंपली सारी चीजें हमारे पास होने वाली है। ए बी से 25% अधिक है तो पहले मैं आपको रेशियो बनाना सिखा दूं। 25% बोले तो बच्चा ये होता है, आपको याद होगा 1/4 कितना होता है, 4 होता है। फिर आगे बोलता है अगला 40% की बात है, तो 40% बोले तो 20 दुना 40, 20 पंचे 100, 2/5 होता है। फिर बोला 30%, तो 30% बोले तो 30/100 यानी कि 3/10। ये तीनों की फ्रैक्शन अपने मन में आप बना करके लिख लीजिए। अब सवाल को स्टार्ट करिए, पहली लाइन ए बी से 25% अधिक है, तो बेटा ऐसे लिखो ए और बी का रेशियो बनाओ, ए जो है बी से 25% अधिक है, ए किससे अधिक है, बी से, जिससे या जिसके कहे उसी को मूल मान मानते हैं, यानी कि अगर बेटा ये बी है तो बी से 25% अगर आप निकालेंगे तो बी का 25% यानी कि 4 का 25% 1 आएगा, और 25% अधिक है यानी कि 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो बी अगर आपका 4 है तो ए उससे 25% ज्यादा है, यानी कि ए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये पहला सेंटेंस आपका बन गया। फिर इन्होंने बोला बी सी से 40% कम है, बी किससे, सी से, यानी कि अगर ये सी है, अगर ये सी है, बोला इन्होंने बी सी से 40% कम है, यानी कि सी अगर 5 है तो 5 से 40% निकालेंगे, 2 कम है यानी कि ये बी हो जाएगा 3, ठीक है। और तीसरी लाइन बच्चे क्या लिखा है, तीसरी लाइन लिखा है सी डी से 30% अधिक है, सी किस से, डी से, सी और डी का रेशियो निकाल लो, सी डी से 30% अधिक है, मींस अगर ये आपका डी है तो डी का 30% निकालेंगे तो यानी कि 3 आएगा, 3 अधिक है, तो डी अगर आपका यहां पे 10 है तो 10 से 3 ज्यादा, यहां पे ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इनको आप देखिए सवाल में क्या पूछा गया, फाइनल लाइन देखिए, तो फाइनल लाइन पूछा ए डी से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि मेन सवाल में अब ए और डी की बात की जा रही है। देखिए बहुत ही स्टाइलिश तरीका बता रहा हूं, इतना बेहतरीन कोई आपको नहीं बताएगा, हमें सिर्फ अब चाहिए ए और हमें चाहिए सिर्फ डी, इसका मतलब बाकी चीजों को आप काट दीजिए, बी से बी काट दीजिए, सी से सी काट दीजिए बच्चे, और जो भी आपका और कटे तिरछा आप काटने की पूरी कोशिश करिए। तिरछा काटने का मतलब यह हुआ कि आप इधर से इधर भी काट सकते हैं, इधर से इधर, मतलब तिरछा इधर से इधर काट सकते हैं, ठीक है। और अब आपका 3 से तो कुछ कट नहीं रहा है, हमारे पास यहां बचा 13 3 39 और यहां पे बचा 10 4 कितना बचा 40, और यहां पे हमारे पास बचा ए और यहां पे हमारे पास बचा डी। ये ए और डी का रिलेशन हो गया, आपसे पूछा जा रहा है ए डी से कितना प्रतिशत कम है, तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है, एक कम है किससे, डी से, तो जिससे कहे उसको बटे में करेंगे, गुणे 100 करेंगे, 1/40 बेटा मैंने आपको रटवा दिया था 2.5%, वैसे आप हल कर लो, 2 2 4 2 5 10 ये 2.5% कितना कम है, 2.5% इज राइट आंसर। ये एकदम आसानी से आपका बन जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2.5%। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, 2.5% एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक बार कमेंट करो बेटा 2.5%, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दुर्गेश जी ठीक है, 2.5, पवन जोशी बहुत बढ़िया बच्चे।
2.5%, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बोलिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा, मैं दोबारा भी बता दूंगा चीजों को, ठीक है। आप हमेशा रेशियो बनाने की कोशिश करिए, डाटा को इजीली बनाइए। एक बार रनिंग मोड में बताता हूं, बोला कि ए बी से 25% ज्यादा, बी से जिससे कहे उसको मूल मान मानना है, यानी कि बी अगर 4 है तो 4 का 25% 1 होता, 1 ज्यादा 5 हो गया। फिर बोला बी सी से ज्यादा कम है तो सी अगर 5 है तो 5 का 40% 2 कम करेंगे तो बी 3 आ जाएगा। फिर बोला सी डी से 30% ज्यादा है, यानी कि अगर डी 10 है तो 10 का 30% 3 ज्यादा, यानी कि 13 हो गया। अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है, अगर आप डिटेल में इसको आते बच्चे, तो ये ए बटे बी आता, ये बी बटे सी आता, ये सी बटे डी, सबका गुणा कर दिया गया है, सारे रेशियो का गुणा कर दिया गया है। लेकिन ये सब ओल्ड तरीका है, ऐसा हम लोग अब नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग अच्छी जगह पढ़ रहे हैं और अच्छी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम चीजों को थोड़ा सा मॉडिफाइड पढ़ेंगे। तो ए अपान डी, देखो यही चीज होती थी, है ना, 5 से 5 कट गया, अब हमारे पास 13 तिया 39 बचा, और ये 40 39 और 40 40 से एक कम है, यानी कि डी से तो 40 गुणे 100 कर देंगे, 1/40 मतलब कितना परसेंट आ जाएगा, 2.5% आ जाएगा। तो जिसको नहीं समझ में आया था कि कैसे ये कट गया, मैंने कटने का भी सिद्धांत आपको बता दिया, ठीक है, कि कहां से कटता है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन लग चुका है और आप सभी लोग इसको बताने की कोशिश करेंगे, बस कॉपी पेन लो तोड़ो, जो नहीं आता मैं करवाता हूं, ठीक है। बोला क्वेश्चन में देखो ए बी से 20% कम है, फिर से देखो ए बी से 20% कम है, 20% की फ्रैक्शन अपने दिमाग में फटाफट बनाओ, 1/5 कर लो। फिर सी डी से 30% ज्यादा है तो 30% की फ्रैक्शन बनाओ तो 3/10 हो गया, और डी ए से 25% कम है तो 25% की फ्रैक्शन बनाओ तो 1/4 हो गया। फिर बोला कि निम्न में से क्या सत्य, ये सीडीएस में सेंट्रल डिफेंस सर्विसेज यहां पे आया हुआ सवाल है, यहां पे आया हुआ सवाल है। अब आप यहां पे देखिए ए बी से 20% कम है, यानी कि ए और बी के बीच का जो रेशियो है वो 20% ए बी से कम है। फिर बोला सी डी से 30% अधिक है और डी ए से 25% कम है। तो चीजों को पहले हम मैनेज कर लेते हैं, ए और बी के बीच का रिलेशन करते हैं। बेटा देखो ए और बी के बीच का रिलेशन क्या होगा, ए बी से 20% कम है, यानी कि बी अगर 5 है तो 5 से 20% यानी कि 1 कम है, कौन ए, यानी कि 4:5 बन जाएगा। सी डी से 30% ज्यादा है तो सी और डी का रेशियो बनाएंगे, 30% ज्यादा है यानी कि डी अगर आपका 10 है तो डी अगर 10 है तो 10 से 30% ज्यादा यानी कि ये 13 है। फिर बोला कि डी ए से 25% कम है, तो यहां पे लिख लेते हैं डी ए से 25% कम है, मतलब अगर ए हमारा 4 है तो 4 का 25% 1 कम है, यानी कि ये कितना है, 3 है। अब हम यहां पे कोशिश करेंगे चीजों को मैनेज करने की। देखिए जो कट पिट रहा है मैं चाहूंगा कि उसको आप काट पिट के गिरा दीजिए। बेटा देखिए कौन कट रहा है, डी से डी कट रहा है, देख लो बच्चे ए से ए कट रहा है, बोलो कट गया कि नहीं कट गया। हमारे पास पहले नंबर पे सी बचा, दूसरे नंबर पे यहां पे बी बचा, यहां पे देख लेते हैं कौन कौन सा कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है तिरछा, और कुछ कट पाओगे, नहीं कट पाओगे, 13 तिया 39 और 10 5 50। तो यहां से सवाल हमारा बन गया C बटे B, बच्चे देखते रहना, C बटे B बराबर 39 बटे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आपसे कह रहे हैं कि क्या सत्य है, देखिए सारा ऑप्शन आपका जो लिखा है उसमें लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन लिखा B बराबर 0.39, C बराबर 0.78, B बराबर 0.78 C, ये सब सारी चीजें लिखी हुई है। तो मैं चाहूंगा इसको आप परसेंटेज में ऐसे बना सकते हैं, C बटे B बराबर, बच्चे इसको लिख दो 39 में 2 का गुणा कर दो, ये परसेंटेज में सारी चीजें आपकी बन जाएंगी, 50 में भी 2 का गुणा कर दो ये 100 बन जाएगा। तो यहां से C बटे B बराबर आ जाएगा 39 × 78/100 यानी कि 0.78, और C बराबर हो जाएगा इधर भेज दोगे तो ये 0.78 भी हो जाएगा, C बराबर 0.78 भी ये आपका आ जाएगा। इसको आप समझ रहे होंगे ये 78/100 हो जाएगा यानी कि 2 अंक पे दशमलव। तो C बराबर 0.78 भी कौन सा आपका ऑप्शन दिख रहा है, C बराबर 0.78 भी यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, वेरी गुड। अखिलेश एक बार और बताता हूं बच्चे, एक बार फिर से देख लेना,
बोला कि ए बी से जो है ना वो 20% कम है, तो 20% ऐसे आप बना लो, ए बी से 20% कम है, यानी कि बी अगर आपका 5 है तो 5 से 20% एक होता है, एक कम करके ए को लिख दिया। सी डी से 30% ज्यादा है, तो डी अगर आपका ये है 10 तो 10 से 30% यानी कि 3 ज्यादा 13 हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 25% बोले तो 1/4 यानी कि बोला कि डी ए से 25% कम है, तो डी अगर 4 है तो 4 से 25% एक कम 3 हो जाएगा। मैंने कहा तिरछा जो कटे काट दीजिए। और हमारे पास यहां से देखिए, सबसे पहले नंबर पर सी बच रहा बच्चे, और यहां पर दूसरे नंबर पर बी, सीरियल को आपको बदलना नहीं है, पहले सी है उसके बाद बी है। ठीक है, और जो बचा है देखिए तिरछा 4-4 कटा, बाकी जो बचा उसका सबका मिला के गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 13 3 49, 10 5 50 हो गया। अब यहां से जितने भी ऑप्शन है सब दशमलव में दिए गए हैं, तो सी और बी का रिलेशन आया। अब 50 में ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो 100 हो जाएगा, तो 0.78 बन जाएगा इस तरह से, तो सी बराबर 0.78 बी। ये सीडीएस का सवाल है, सीडीएस में आया हुआ है, तो एसआई में आने में क्या देर हो सकती है, आ ही सकता है कि नहीं, डिफेंस का एग्जाम है, बी वाला ऑप्शन सही। ओके, बता दिया सबको, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब इसके पहले हम लोग थोड़ा सा एक एक नियम पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग पहुंच गए हैं एक एक नियम पे, और यूपीएसआई वाले मेरे बच्चों ये एक एक नियम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राम कुमार जी 1 मिनट क्वेश्चन को आप रोकिएगा, मैं बच्चों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाऊं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो आइए थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। आइए, हेडिंग आप बनाइए, सभी लोग बनाइए, बहुत ही मजेदार चीज आने वाली है आपके जिंदगी में, जिसका नाम है एकिक नियम, यूनिटरी मेथड, इंग्लिश में यूनिटरी मेथड कहते हैं। वैसे अंग्रेजी क्या करोगे जान के, वैसे भी दरोगा बनने के बाद देहाती गरीय देना है तुम लोगों को, तो अंग्रेजी पढ़ के करोगे क्या है, बाद में तो गाली ये देते हैं दरोगा और अगर लोग जहां मिल जाए ऐसा वैसा, हम क्या गाली दें, तुम लोग तो पीएचडी हो गाली में। चलो आओ, तो एकिक नियम का मतलब क्या होता है, एकिक का मतलब होता है ऐसी गणना जो प्रत्येक एक पे किया जाए, एक पर किया जाए गणना, उसको हम लोग एकिक नियम कहते हैं। जैसे बेटा मैं आपसे कहूं कि 70 रुपए में 210 आम मिलते हैं, तो आपसे पूछ लिया जाए कि 150 रुपए में कितने आम मिलेंगे, तो एकिक नियम इस आधार पर लगाया जाता है बच्चों कि हमें जो डाटा दिया होता है उसकी सहायता से पहले हम एक पर गणना करते हैं। अब देखो बोला, अभी लिखने की जरूरत नहीं आप लोगों को, बोला 70 रुपए में 210 आम मिलते हैं, ये डाटा हमें पहले से पता है, इसके आधार पर पहले हम एक की गणना करेंगे। तो हम ये कहेंगे चूंकि, इसलिए पढ़ा होगा बहुत आपने बचपन में, आप कहेंगे चूंकि 70 रुपए में कितने आम मिलते हैं, तो बोला 210 आम मिलते हैं। अच्छा बताते हैं फिर 1 रुपए में पता करते हैं, हर डाटा एक पे कैलकुलेट करेंगे, एट फर्स्ट वी कैलकुलेट एट 1। ठीक है, तो 1 पे अगर 1 रुपए की बात करें तो 1 रुपए में सबको पता है यार 70 रुपए ले गए थे तो ज्यादा सामान मिला था, तो 1 रुपए में तो कम सामान मिलेगा, और कम सामान मिलने का मतलब ये हो गया 210/70 करेंगे यानी कि 1 रुपए में हमें कितना सामान मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, अब 1 रुपए में 3 मिला तो हमें कितने रुपए में चाहिए, 150 रुपए में चाहिए, इसलिए 150 रुपए में अगर हम सामान को चेक करें तो 150 रुपए में अब तो ज्यादा मिलेगा। अब ये जो 1 पे आता है ना, इसी के सहायता से हम पूरी गणित बना देते हैं। ठीक है, तो 1 रुपए में 3 है तो 150 रुपए में 150 से गुणा कर दो, यानी कि हमें कितने आम मिलने वाले हैं, 450 आम मिलने वाले, समझ रहे हैं। तो इसी चीज को हम लोग अप्लाई करेंगे परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, एसआई में, सीआई में, इस एकिक नियम का यूज करेंगे। आइए देखते हैं कितने बेहतरीन तरीके से यूज करने वाले हम लोग, एकदम मजा आ जाएगा। और इतना बढ़िया नियम है ना कि आप यकीन मानो कि आप में से जिसको गणित नहीं भी आती ना, वो इस नियम को लगा करके किसी तरह से तो अपना सवाल बना ही ले जाएगा। बच्चे लाइव कमाते हैं हमें लगता है, कुछ लोग बाद में वीडियो देखते हैं। बहरहाल आपकी इच्छा, आप जैसे मन करे वैसे करिए, आपने पेमेंट कर दिया है, अब आपका काम खत्म है और हमारा काम खत्म करना है 3 महीने में हमें भी। और आप मेहनत करेंगे, मेरे साथ चलेंगे तो दरोगा बनेंगे। और देखिए, एक दिन में 4 वीडियो, बेटा आज 5 वीडियो थी, अगर तुम लापरवाही करोगे ना तो तुम्हारे अंदर इतना मादा नहीं, तुम तुरंत नहीं देख सकते, तो तुम क्या एक दिन बाद देख ले जाओगे जब 10 वीडियो हो जाएगी, नहीं देख पाओगे। 10 वीडियो देखने में ना तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। ठीक है, इसलिए एकदम कंटिन्यू बने रहो, एकदम सतत प्रयास, सफलता की तरफ सतत प्रयास करते रहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। जरा सा भी अगर आप थके, रुके,
आराम किए तो समझ जाइए कि आप औरों से कई गुना पीछे चले जाएंगे। जैसे कि आप रेस लगाते हैं भाई साहब, कुछ लोग बीच में रुक के ग्लूकोज चाटने लगते हैं, उनको लगता है कि थोड़ा सा और एनर्जी मिल जाएगी, पानी पीने लगते हैं, तो उनका हालत देखते ही आप क्या होता है ना। तो इसलिए चलते रहिए आप आराम से, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ऐसे हम एक एक नियम इस पे कैसे लगाते हैं, जैसे बोला कि किसी संख्या का, अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं बच्चे, सिर्फ समझने की जरूरत है, किसी संख्या का 31% 155 है तो संख्या क्या होगी। अभी तक हमारी कैलकुलेशन जो चल रही थी वो वैसे नॉर्मल चल रही थी, अब हम लोग एक एक नियम पे कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो किसी संख्या का 31% 31% ऑफ एनी नंबर इज 155, देन फाइंड द नंबर, ठीक है। तो हमारे पास देख रहे हैं कि संख्या का 31% अवेलेबल है, संख्या का 31% अवेलेबल है और उसकी वैल्यूएशन भी हमें पता है कितने के बराबर है, 155। तो हम बोलेंगे सर 31% तो हमें पता है और वो कितने के बराबर पता है, 155 के। तो पहले हम 1% पे टारगेट बनाएंगे कि 1% की वैल्यू क्या होगी। आप समझ पा रहे हैं 1% हमेशा कम होता है, तो कम का मतलब क्या होगा, 155 बटे 31 यानी कि 31 पचे 155 यानी कि 5 हो गया। इसलिए अगर हम संपूर्ण संख्या की बात करें तो 100% ऑफ दिस नंबर 5 × 100 देयरफॉर ये आ जाएगा 500, यानी कि संख्या का 100% कितने के बराबर होगा, 100%। देखिए कोई भी संख्या संपूर्ण रूप से बच्चे अपने आप में 100% मानी जाएगी, हर वैल्यू अपने आप में संपूर्ण रूप से 100% मानी जाएगी और टोटल के लिए हमेशा हम 100% का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए जब आप थोड़े से समझदार होते हैं तो बच्चों को ये बात सीधे समझ में आती कि सर एक तो निकालना ही पड़ेगा, भाई कैसे निकलेगा, एक के लिए तो भाग देना पड़ेगा 31 का, हमेशा करना पड़ेगा। ये बात तो समझ में आ गई कि जो परसेंटेज यहां पे दिया है उसको तो बटा में लगाना ही लगाना, कोई बचा नहीं सकता हमको। अब रही बात निकालना क्या है, अगर हमें पूरी संख्या निकालनी है तो पूरी संख्या कितने परसेंट हो गई, 100%, तो हमें कितने का मल्टीप्लाई दे देना है, 100 का। लेकिन सपोज दैट कभी कभी पूछ लेता है संख्या का 80% बता दो सर, तो 80% अगर पूछता है तो 155 बटे 31, एक की वैल्यू निकाला, 80% पूछता है तो 80 लगा दो, 31 × 155, 8 × 5 कितना आया, 400, ये संख्या ही 500। कल को पूछा संख्या का 90% बता दो सर, तो 1% पे जब वैल्यू आई रहेगी तो जितना परसेंट निकालना उतने का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 90% निकालना 90 का गुणा कर देंगे, 20% निकालना 20 का गुणा कर देंगे, 80% निकालना 80 का गुणा कर देंगे। बोलिए एक एक नियम की बात आप सभी को समझ में आ रही बच्चों, एक एक नियम की बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। तो जितना निकालना है उतने का गुणा कर देंगे, ठीक है सर। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे सर क्वेश्चन लगाइएगा। ये तो हो गया, ये तो मैंने बच्चों को समझा दिया, नेक्स्ट लगाइए सर। ये 155 कर लेना बच्चों, पिछले वाले में 155 कर लेना, नहीं तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। तो ये बोर्ड पे आपके सामने लगा हुआ है, ठीक है अनिल बाबू, ओके चंद्रभूषण, ओके हो गया, हाँ पिछला हो गया, ये वाला कर दो विकास, ठीक है। जितने लाइव हैं सब लोग मेहनत से लगे रहें, जो लाइव नहीं वो बाद में देख लेंगे, है ना। सब लोग देखो, सब लोग पढ़ो अच्छे से। अमरजीत 400, ठीक है बच्चे बहुत बढ़िया, 400 किसकी बात आप कर रहे थे, चलो कोई नहीं। अब इसको देखो, किसी पूर्णांक का 51% है 714, किसी पूर्णांक का 51% 51% ऑफ एनी इंटीजर, किसी पूर्णांक का 51% है कितना है बच्चों, 714 है। तो हमें पता कि 51% 714 है, तो सबसे पहले तो हमें 1% कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। तो 1% आप बोलेंगे 714 बटे 51 कर लो, 17 × 51 17 × 4 = 68, 17। ये देखो नंबर से खेलना आपको आनी चाहिए, ये चीज आप चाहे जैसे शुरू करिए काटना शुरू करिए, 14 हो गया। अब बोल क्या रहे कि बोला 25% क्या होगा, तो भाई आपको पता है कि 25% सिंपल कैलकुलेशन है, तो एक एक नियम एकदम धुआंधार काम करता है, ठीक है। 14 × 5 = 70, 14 × 2 = 28 और 7 = 35, सो 350 इज राइट आंसर, 350, ओके समझ गए, 350। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन, किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी लड़के हैं, सर आप चेक नहीं करते, राम कुमार जी चेक कर लिया करिए, किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, आप इसको करेक्शन करना बेटा, किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, 812 की क्या लिखा था, 512 क्या था, कल से मैं खुद चेक कर लूंगा, ये टाइपिंग बच्चे करते हैं ना तो थोड़ा सा मिस्टेक आ जाती है। आठ सौ बारह ठीक है, सही है। सही है शायद, मैंने ही गलती किया था टाइप, कोई नहीं, चलो अच्छा इसको देखते हैं। तो बोला है कि यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या, करेक्शन कर लेना आप सभी लोग, 60% विद्यार्थी लड़के हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इस टाइप का सवाल आपको मिलता रहता है। तो इसमें बोल रहा है कि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, बॉयज, साठ परसेंट विद्यार्थी लड़के हैं। अब भाई 60% लड़के हैं तो जाहिर सी बात है कि बाकी बची खुची, कौन भाई, लड़कियां हैं। तो गर्ल्स मैंने कहा ओवरऑल 100%, 100% में से 60 ओवर, ये सब माइंड कैलकुलेशन होनी चाहिए, बचा कितना हमारे पास 40%, डाटा क्लियर। अब यहां पे सवाल में बोला क्या है, किसकी संख्या दिया जरा देखिएगा, तो लिखा है लड़कियों की संख्या 812 है, तो लड़कियों की संख्या 812 है, लड़कियां 812 है, और आपके सवाल में पूछा क्या जा रहा है, लड़के कितने। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, एकिक नियम लगाते समय मुख्य रूप से हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जिसकी प्रतिशत वैल्यू यानी कि परसेंटेज वैल्यू और उसकी रियल न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो, हम तुलना उसी से करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे अगर यहां पे हम देखें तो संख्या हमें लड़कियों की दिया है, कितना दिया है 812, तो अगर हमें संख्या लड़कियों की दिया है तो हम परसेंटेज में लड़कियों का ही तुलना करेंगे, ऐसा हम नहीं कह सकते कि लड़कियां 812 हैं वो 60% है। आप क्या कहेंगे, लड़कियां अगर 812 हैं तो कितने परसेंट हैं, अगर इसकी परसेंटेज वैल्यू पता है तो वहां से आप तुलना करिए, तो आप कहेंगे सर लड़कियां 812 जो है ना वो 40% है, और वो 40% लड़कियां 812 हैं इसलिए एक निकालने का मन करे तो निकालना, नहीं तो सीधे आ जाओ लड़के, सीधे आ जाओ लड़के पे आ जाओ, सीधे आ जाओ लड़के, एक तो अब अंडरस्टूड हो गया ना आपके लिए, तो 1% तो यहां निकालते ही है, बिना एक निकाले काम चलेगा नहीं, एक अपने मन में निकालो और गुणे में क्या कर दो यहां से 60 बच्चों, ये हो जाएगा 4 से 4 दूनी 8, 4 0 0 4 3 12, 6 3 18 हो जाएगा, 6 0 0 6 1 6 2 12, ये आपका आंसर आ जाएगा कि विद्यालय में लड़के कितने हैं, तो आप कहोगे 1218 लड़के हैं, इस विद्यालय में 1218 लड़के हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 1218 बी वाला आ जाएगा, ठीक है बी वाला, ओके ठीक है बी वाला आ जाएगा। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में तो आ ही रहा होगा, बहुत आसान है सब कुछ, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, आंसर करिए, आप लोग आंसर करते रहिए, आप मेरे इंतजार में ना बैठिए, मैं तो आपके साथ हूं, मैं तो आखिर में बताता ही रहूंगा, आप मेरे इंतजार में बिल्कुल ना बैठिए, आप अपने हिसाब से काम करते रहिए। कमेंट बच्चों के हमारे पास आ नहीं रहे हैं, एक बार देखते हैं कमेंट आप लोग के,
756। ओके 1218 उधर तो आपका आंसर आया था आप लोग का, ठीक है वेरी गुड। चलो तो एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष है, तो महिला फीमेल, देखिए डाटा देखिए, फीमेल है 32 और इसके अलावा 54% मेल है और इसके अलावा 196 बच्चे हैं। तो आपको पता है कि मेल और फीमेल जोड़ के 4, 2, 6, 5, 3, 8 86% हो गए। तो चिल्ड्रन बच्चे हमारे कितने होंगे आपको पता, ओवरऑल 100% होता है, तो 100% में से 86% आपके मेल फीमेल हो गए, तो 100 में से 86 आप घटा दीजिए तो बच्चे 14% बनेंगे। और वो जो 14% बच्चे हैं आपको डाटा दिया है 196 है, तो 14% बच्चे जो हैं वो कितने के बराबर हैं, 196 के बराबर। आप ऐसे लिख दीजिए, फिर बोला है कि उस विवाह समारोह में कितने पुरुष हैं। अब बेटा पुरुष पूछ रहा है, जरा ध्यान देना बेटा, ये टोटल नहीं पूछ रहा है। अगर टोटल पूछता तो हम 100% निकालते, लेकिन टोटल नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कितने पुरुष हैं, मेल कितने हैं, इसलिए मेल यानी कि पुरुष 54% बोले तो 196। एक अंडरस्टूड यही निकाला करिए, ठीक है 196/14 और गुणे कर देंगे 54, 14, 14 ही हम 196 और 14 चौका 56, 14 25, 70 और 5 75 आपका 756 आंसर आ जाएगा। 756 इज राइट आंसर, जिसका आया सही है, जिसका नहीं आया वो लोग लगाने की कोशिश करें। राइट आंसर 2016 सीजीएल का ये सवाल रह चुका है, ठीक है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। हाँ ये देखिए बहुत ही अच्छा सा सवाल है यहाँ पे परसेंटेज का, देखिए परसेंटेज का जो भी आपको सवाल हम करवा रहे हैं ये एकदम ग्लोबल करवा रहे हैं कि किसी भी परीक्षा को आप देंगे तो होगा, खासतौर पे यूपीएसआई तो आपका है ही है, क्योंकि यूपीएसआई वगैरह में अभी तक पिछले पेपर को छोड़ दिया जाए तो बहुत दमदार सवाल नहीं आए हैं, लेकिन जो पिछले पेपर का पैटर्न था बच्चों वो अपने आप में बहुत दमदार था और आपकी बार ये मान के चलिएगा कि उससे दमदार पेपर बनेगा, इसलिए मैं उस तैयारी के साथ आया हूं कि आपको कोई तकलीफ भविष्य में ना हो, ठीक है। लिखा है जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। 216 से बढ़ाया जाता है, ये लैंग्वेज समझेंगे, 216 से बढ़ाया जाता है इसका मतलब क्या होता है, जब ये लैंग्वेज आए इतने से बढ़ाया जाता है, इतने से बढ़ाया जाता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि किसी संख्या को 20 से बढ़ाया जाता है या किसी संख्या को 20 से बढ़ाया जाता है, इसका मतलब क्या होगा आपसे मैं पूछूं तो इसका मतलब सीधा सीधा यही होगा कि संख्या में 20 लगा करके और बढ़ा दिया जाता है। जैसे पता चला कि 2 लीटर पानी है और उसको 1 लीटर और बढ़ाना है, तो अभी कहा जाए कि किसी बर्तन में पानी उसको 1 लीटर से बढ़ाया जाता है, यानी कि 1 लीटर डाल के और बढ़ाया जाता है। तो कोई संख्या अपने आप में जो होती है बच्चों वो अपने आप में 100% होती है, आप ध्यान से सीखेंगे, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है और उसको जब 216 बढ़ा दिया गया तो वो बढ़ करके स्वयं की 140% हो गई। उसको जब मैंने 216 बढ़ा दिया तो 216 जब बढ़ा दिया तो वो स्वयं की बढ़ करके कितने परसेंट हो गई, 140। आप लैंग्वेज देखिए, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। अब आप देखिए 216 मैंने बढ़ाया तो 140 हो गई, परसेंटेज में कितनी बढ़ी, तो आप कहेंगे सर परसेंटेज में वह संख्या 40% बढ़ी है, और वो जो 40% हमारी संख्या बढ़ रही है वो कितना बढ़ाने पे बढ़ी है, आप देखिए 100 से 140 हो गई संख्या, 140 हो गई स्वयं की, 40% बढ़ी ना, और वो 40% जो बढ़ी वो किसकी वजह से बढ़ी, तो आप कहेंगे 216 की वजह से बढ़ी, तो 40% 216 है, इसलिए मूल संख्या 100% बराबर पहले एक निकालो, तो 216 एक निकालेंगे तो बटे 40 हो जाएगा और गुणे क्या कर देंगे, ये देखिए 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16 यानी कि वो संख्या हमारी कितनी है 540, वो संख्या हमारी 540 हो जाएगी। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगले पे चलते हैं। देखिए सेम ऐसा सवाल है,
उम्मीद है कि आप कर ले जाएंगे, ये सीजीएल 2017 में पूछा गया है, उम्मीद है कि आप इस सवाल को बना ले जाएंगे। लिखा है कि एक संख्या में 84 की वृद्धि होती है तो वह स्वयं का 107% हो जाती है। मतलब हमारी संख्या 100% है, जब उसमें हम 84 बढ़ा देते हैं, संख्या अपने आप में परसेंटेज में जब नॉर्मल रहती है तो हम 100% मानते हैं परसेंटेज में पूरी संख्या, और वो स्वयं की 107% हो जाती। कितने परसेंट बढ़ी? तो आप देख रहे हैं 7% बढ़ी। कितने परसेंट बढ़ी? 7। और ये 7% के नाम पे कितना बढ़ी? 84। तो कहेंगे सर 7% जो बढ़ी है वो कितने के बराबर है? 84। इसलिए 100% हमारी कितनी हो जाएगी? एक पे निकालेंगे 84/7 और गुणे कर देंगे 100, और ये 12/100 बराबर आपकी संख्या आ जाएगी 1200। तो 1200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, देखिए ये बहुत ही अच्छा प्यारा सा सवाल है कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए, 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या के 75% में 75 जोड़ के वही संख्या मिल जाए। कितना प्यारा सा सवाल है कि संख्या के 75% में 75 जोड़ के, तो संख्या का 75% 75% में 75 जोड़ के वो संख्या मिल जाए। संख्या बोले तो कितने परसेंट होती है? 100%। संख्या बोले तो कितने परसेंट होती है? 100% होती है। तो 75% में 75 जोड़ के वो संख्या हमारी मिल जा रही है, तो 75% में 75 जोड़े वो संख्या 100%। अब 100% इधर ले जाएंगे तो 100 में से 75 जाएगा, यानी कि 25% वैल्यू हमारी 75 के बराबर है। परसेंट से परसेंट आप घटा दीजिएगा, 100% में से 75 घटेगा बच्चों, तो 25% आएगा बराबर 75 है, तो मूल संख्या 100% बराबर 75/25 और गुणे में क्या आ जाएगा? 100 25 3 75 और ये हमारी संख्या आ जाएगी 300। आप ये एकदम बढ़िया वाला तरीका है, आप इसको फ्रैक्शन बना के भी कर सकते हैं। 75% बोले तो होता है 3/4। जब हम अभी फ्रैक्शन की बात करते हैं सवालों में, थोड़ा सा आपको हम रुझान देते हैं कि जब हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो ये हमारी होती है मूल संख्या। इसका 75% जो ये आया है ये आपकी परसेंटेज वैल्यू है, यानी कि परसेंटेज वैल्यू जो 75% हो ये 3 यूनिट है, और 3 यूनिट में अगर आप 75 जोड़ते हैं तो संख्या मिलती है, संख्या मतलब 4 यूनिट मिलती है। तो यूनिट यूनिट घट जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप घटाएंगे तो ये बराबर 75 के हो जाएगा, और संख्या संख्या आपकी 4 यूनिट है तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि संख्या 4 है। तो 75 × 4, 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 2 = 30, आपकी संख्या आ जाएगी 30। तो ऐसे भी इस सवाल को बनाया जा सकता है अभी, लेकिन ये सारे तरीके हम तब यूज करेंगे जब हमारा कैलकुलेशन सही बटा वाली भिन्न में हो, हमें सता रहा हो। नॉर्मल कैलकुलेशन ऑलवेज यूज 100%, कोई डाउट नहीं होगा, सवाल बिल्कुल मजे से आएगा, ठीक है। और जहां दिक्कत आती है वहां पर मैं आपको बताता हूँ, जहां पर दिक्कत आएगी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धुआंधार तरीके से एकदम काम चल रहा हम लोग का। 300 बंद्रा आपको बहुत प्रॉब्लम है बच्चे, आप जो है रिफ्रेश कर लो, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कुछ प्रॉब्लम आपकी है और कुछ आपने खुद मनगढ़ंत बना रखे हैं वहां पे। देखिए दिक्कतें थोड़ी बहुत आती हैं जिंदगी में, फ्लेक्सीबल बनो मेरे बच्चे, बिना फ्लेक्सिबल बने कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप रिजिड होंगे, अगर आप दृढ़ एक जगह बने रहेंगे तो आप जल्दी ही टूट जाएंगे। सो बी फ्लेक्सिबल इन योर लाइफ, बिकॉज फ्लेक्सिबल चीजें जो होती हैं वो जरा सा भी झटका होता है तो ऐसे झुक जाती हैं, जैसे रबड़ जल्दी टूटता नहीं है, उस पर आप प्रेस प्रहार करेंगे वो थोड़ा सा लचक जाएगा, फिर अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इंसान को फ्लेक्सिबल बनना चाहिए, हर परिस्थितियों में सामंजस्य बैठा लेना चाहिए, तभी जीवन का गुजारा हो पाएगा। अगर दिक्कत आती है तो मैं उस दिक्कत को समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, चीजें चल रही, बात चल रही अच्छे से, नहीं बात बनती तो और भी हमारे पास रास्ते होंगे, सब कुछ है। ये ऑनलाइन की दुनिया में पहला एप्लीकेशन हमारा है और इस वजह से अभी थोड़ा सा हो सकता है कमियाँ खामियाँ हों, मैं नहीं कहता 100% सही, लेकिन वर्क चल रहा है इस पे, ठीक है। सो डोंट वरी,
आप पढ़ाई करिए, सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सही करवाता हूं, ठीक है? थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनिए। आइए अगला, नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। लिखा हुआ है कि जब किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या मिलती है। किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है। अब देखिए, किसी संख्या का 85%, सिंपल सा सवाल है, 85% 75 में जोड़ा जाता है, परिणाम वही संख्या मिलती है, यानी कि 100% हो जाता है। तो यहां से आपका सिंपल था हो गया, 15% आपका 75 के बराबर हो जाएगा। तो 100% बच्चे कितना हो जाएगा, एक पे 15 पचे 75, तो ये आ जाएगा आपका 500। वर्बली कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, समझ पा रहे हैं आप? नेक्स्ट, हाँ, एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है, संख्या क्या होगी? 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है तो संख्या क्या होगी? 16% बढ़ने पर 1914। आइए मैं आपको दो तरीका बताता हूं। अब फ्रैक्शन की तरफ थोड़ा थोड़ा आपका रुझान हम देते चलें, क्योंकि आगे डाटा जब कठिन होगा तो हम लोग फ्रैक्शन का ही यूज करेंगे। तो आप लोग धीरे धीरे रुझान लेते रहिए फ्रैक्शन का भी, और ये नॉर्मल तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है? बोला कि एक संख्या जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है। तो बच्चों, मैंने कहा कि मूल संख्या जो आपको मान के चलनी है अपने लाइफ में परसेंटेज के टर्म में, वो 100% है। अब इसमें 16% बढ़ने पर, तो 16% अगर आप बढ़ने की बात करते हैं तो 16% बढ़ने पर आप सबको पता है कि 100% हमारे पास है, 16 बढ़ जाएगा तो 100% में 16 जोड़ देंगे, आपका 100 में 16 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 116। आप ये समझ लो कि आपकी संख्या 100 यूनिट थी, इसमें 16% आपने बढ़ा दिया तो 100 का 16% 16 होता है, बढ़ करके कितना हो गया, 116 हो गया। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। अब ये बढ़ के 1914 हो जाती है, यानी कि जो आपका 116 बढ़ करके होता है, 116% जो भी होता है वो कितना, या आप यूनिट बोल लीजिए कि 116 यूनिट कितने के बराबर है, 1914। तो हम पहले 1% या 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 पे अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1914 बटे 116 आ जाएगा। और मूल संख्या आप 100 माने हैं, तो मूल संख्या ये आपकी मूल संख्या थी, और ये आपको मैंने बताया वृद्धि के बाद, ठीक है? ये वृद्धि के बाद है, तो वृद्धि के बाद 116 आपका हो गया। तो मूल संख्या पूछ रहा, मतलब 100 पूछ रहा, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पे निकालो, 4 × 2 = 8, 3 = 11, 4 × 9 = 36, 4 × 4 = 16, 3 × 9 = 19, 4 × 7 = 28, 4 से कहां कटेगा यार, ये धोखा खा गए हम, 4 से नहीं कटेगा, लास्ट के दो अंक 4 से नहीं कट रहे, 4 से नहीं कट रहा, कोई नहीं, आप जो है इधर ऐसा करो, एक लाइन और लिख लेते, 1914 बटे 116, अब तो कटेगा, 4 × 2 = 8 और 3 = 11, 4 × 9 = 36, 4 से काटोगे 25, 29 से काट दो, 29 से काटो, 29 से ही काटो, क्योंकि 29 का पहाड़ा चलाना पड़ेगा, तो 29 से 87 और 29 का पहाड़ा मुझे लगता लगभग 5, 29 पचे 145 और 29 6 बार चला जाएगा, 20 छक्का 120, 9 छक 54, 174 हो जाएगा, लगभग 6 बार पहाड़ा जाएगा, 29 छक्का 174 हो जाएगा, और 174 और कितना बचेगा भाई, 6 उधर बच जाएगा, 80 और 11, 11 × 6 = 17, 174, ठीक है, 6 बार फिर चला जाएगा, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 और 15 हो जाएगा 165, 1650, थोड़ा तगड़ी कैलकुलेशन ये हो गई, 1650 आएगा। चलो एक और रास्ता बताता हूं, सुनो, आओ थोड़ा सा इधर मैं आपको फ्रैक्शन बनाना भी बताऊं। 16% की वैल्यू जो होती, क्योंकि आगे अब सवाल फ्रैक्शन पे ही हमारे आने वाले हैं, तो 16% का मतलब 4 × 4 = 16, 4 × 25 = 100, ये 4 बटे कितना होता है, 25। आपका ये जो फ्रैक्शन में बटा वाला होता है, जैसे जब आप परसेंटेज में चलते हैं तो परसेंटेज में 100% आपका मूल मान होता है, लेकिन जब हम फ्रैक्शन में चलते हैं तो मूल मान हमारा ये होता है, इसका 16% 4, यानी कि ये जो होगी हमारी ये परसेंटेज वैल्यू होगी, समझ रहे हैं? तो अगर आप मान लेते हैं
इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके बिना आपका रास्ता निकलने वाला नहीं है। तो मूल संख्या अगर आप 25 यूनिट मान लेते हैं, इसको आप यूनिट में बोलिए, मूल संख्या अगर आप मान लेते हैं कितने यूनिट, 25 यूनिट मान लेते हैं, तो 25 यूनिट का 16% यानी कि 4 बढ़ा देंगे तो वृद्धि के बाद जो बनेगा 25 में आपका 4 जुड़ जाएगा, यानी कि कितना यूनिट बन जाएगा, 29। बिकॉज 25 का 16% 4 होता है, 4 बढ़ा के 29। अब ये जो 29 यूनिट है ये बढ़ करके आपका कितना हो गया, ये संख्या 1914 हो गई। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1914 बटे 29, ये 66। अब यहां से पूरी संख्या, मूल संख्या 25 यूनिट है तो 25 यूनिट की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 66 गुड़े 25 यानी कि गुड़ा अभी मैंने किया ही था, तो ये आ जाएगा 1650। तो ये आपका सेकेंड मेथड है जिसमें हम लोग डाटा को रेशियो बना करके, फ्रैक्शन बना करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, डाटा को फ्रैक्शन में और रेशियो में बना करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही है, एक बार आपके कमेंट में लूंगा, एक बार आप अपने कमेंट दनादन दे दीजिए। 1650 राइट आंसर है, 1650 राइट आंसर है, बिल्कुल सही है बच्चों, 1650 सही है। एकदम आ रहा है, ठीक है अमरजीत जी, ऑल इज क्लियर, ओके ओके बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब ये जो आगे हम आपको बताने चल रहे हैं, हमें इस तरह से चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि काम हमारा जो होगा वो थोड़ा सा जटिल तरीके से परसेंटेज आएंगे, तो बार बार 100 में जोड़ना हमारे लिए मुश्किल होगा, 100 में घटाना मुश्किल होगा, इस वजह से हमें फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा और फ्रैक्शन बना करके ही हम चीजों को मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगा है, लगा दीजिए भाई। लिखा है कि किसी संख्या में उसका 16 से ही 2/3% जोड़ने पर परिणाम 5956 प्राप्त होता है। लीजिए आ गया फ्रैक्शन, आ गया किसी संख्या में उसका 16 से ही 2/3, बेटा 16 से ही 2/3 बोले तो हो गया 1/ कितना होता है 6। दिस इज ओरिजिनल नंबर, ये मूल संख्या है, और मूल संख्या का 16 से ही 2/3 ये परसेंटेज वैल्यू होती है, याद रखेंगे ये परसेंटेज वैल्यू होती है। तो अगर आपकी मूल संख्या 6 यूनिट है बेटा, बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो, अगर मूल संख्या आपकी 6 यूनिट है तो इसमें 16 से ही 2/3 इसका निकालेंगे तो 1 जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ने पर यानी कि अगर आपकी 6 यूनिट संख्या है तो इसमें 16 से ही 2/3% अगर आप जोड़ते हैं तो 16 से ही 2/3 का मतलब 1 जोड़ेंगे यानी कि ये 1 के बराबर आएगा, 1 जोड़ेंगे तो ये संख्या हमारी बढ़ के कितने यूनिट हो जाएगी, 7। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। और अगर ये घटती है बच्चे तो 1 घटा देंगे, 16 से ही 2/3 के नाम पर 1 घटा देंगे तो यह कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब ये देखिए बढ़ करके कितनी हो जाती है, 5956, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है, 7 यूनिट हमारे पास आ रहा है, 5956 आ रहा है। तो हम वही पुराना या एक नियम उसको तो त्यागना नहीं, एक यूनिट 5956 बटे 7, 7 × 7 = 49, 5 में 0 बार 7 × 8 = 56, यानी कि एक यूनिट कितना हो जाएगा, 708 हो जाएगा। अब देखो अगर मूल संख्या पूछ रहा तो यही 6 यूनिट है, 6 में ले जाकर के 708 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि ये एक यूनिट 708 को दिखा रहा है, तो 6 यूनिट हम हमेशा इसी को मूल मान रहे हैं, तो 6 × 8 = 48, 6 × 0 = 4, 6 × 7 = 42, यानी कि मूल संख्या 4248, या यहां आप लिख लीजिए मूल संख्या आपकी 6 यूनिट है तो 708 गुड़े 6 × 8 = 48, 6 × 0 = 4, 6 × 7 = 42, 4200 कितना आ जाएगा, 48। तो ये 4248 आपका आंसर आ जाएगा, ओके दुर्गेश जी, 4248, ठीक है, ओके ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं,
अब यहां से हम लोग कल जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी तरह से क्वेश्चन हमारे रहेंगे, फ्रैक्शन मिजाज के रहेंगे और तगड़े क्वेश्चन रहेंगे। और देखिए, अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन लगा के पढ़ाने में आसानी होती है, बहुत ही आसानी होती है। हम आपको 15-16 सवाल पढ़ा दिए और 1 घंटे की क्लास में हम आपको 20 से 22 सवाल पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कोर्स थोड़ा जल्दी से खींचेगा और आपको समझ भी बढ़िया आ रहा होगा, क्वेश्चन लिखने का झंझट नहीं है। बाद में आप घर पे जब दोबारा वीडियो देखिएगा तो कॉपी करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है। चलिए, अब कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, ठीक है। तो आप लोग 2 बजे से क्लास लेते रहिए, मूल विधि से लेकर के अभी तक। डाटा 151 रुपए का रिचार्ज करा लो, 30 MB मिलेगा, महीना भर जियो वाला चलेगा, चिंता ना करो, ठीक है। उससे ज्यादा का रिचार्ज नहीं बढ़ेगा, बाकी 1.5 GB रोज पाते ही हो, उसमें वीडियो आपकी हो जाएगी। और बाकी मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ, मैं ये देखता हूँ कि क्वालिटी कैसे सुधारी जा सकती, काम चल रहा है। इसका एप्लीकेशन अपडेट करवा देता हूँ, सैटरडे तक अपडेट करवा दूंगा, हो सकता है सुधार आ जाए, ठीक है। चलिए, ठीक है, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में, ओके। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।